हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे कुकरी शो में। मैं पियुजाना मिश्रा आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक फिर से एक न्यू रेसिपी जिसका नाम है ड्राई पनीर चिली। ड्राई पनीर चिली बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है आइए देखते हैं। पनीर, मैदा, कॉर्नफ्लोर पाउडर, चॉप्ड अदरक, चॉप्ड गार्लिक, तेल, नमक, सोया सॉस, विनेगर। मैंने ऑलरेडी कैप्सिकम के चंक्स बना के रखे हैं और इस तरीके से मैंने इस ऑनियन के भी इस तरीके से ऑनियन बेल्स बना के रखे हैं। ग्रीन ऑनियन, चॉप्ड ग्रीन चिली एंड चॉप्ड हरा धनिया। तो सबसे पहले हम पनीर को अच्छे से क्यूब्स में काटेंगे और ये मैदा और ये कॉर्नफ्लोर पाउडर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से कॉर्नफ्लोर को मैदे के साथ हमने मिक्स कर दिया और थोड़ा सा पानी हमें इसमें ऐड करना है। घी घोल बनाना है क्योंकि मैं पनीर को क्यूब्स करके क्यूब्स में काट के इसके घोल में मिला के मैं थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन। ये घोल मैंने बना लिया है और मेरी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है तो अब मैं तेल को कढ़ाई में डाल दूंगी। हल्का सा सॉल्ट लेना है मुझे और इसमें इस घोल में ऐड करना है। मैं पनीर को इस तरीके से क्यूब्स में काट ले रही हूँ। अब मैं इस घोल में पनीर को पनीर क्यूब्स को इस तरीके से घोल में मिक्स करके एक के बाद एक फ्राई करूंगी। यस, हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। गैस फ्लेम ऑफ कर दीजिए। हमारा पनीर जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। मैं चॉप्ड गार्लिक डाल रही हूँ। चॉप्ड गार्लिक मैंने डाला और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए चॉप गार्लिक। अदरक चॉप किया हुआ है इस तरीके से मैं थोड़ा ऐड कर दूंगी। आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब मैं मिर्ची चॉप्ड ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। अब थोड़ा गैस फ्लेम हाई ही रहेगा क्योंकि ये चाइनीज़ डिश है। कैप्सिकम चंक्स काट के रखे हैं एंड ये जो मैंने ऑनियन चक्स काट के रखे हैं इसमें हमें इस तरीके से ऐड करना है। तो मैंने इस तरीके से सारा ऐड कर दिया है। जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो तब तक आप इस तरीके से फटाफट से आपको चलाते रहना है। ऑनियन चंक्स और कैप्सिकम चंक्स अच्छे से देखिए फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें पनीर फ्राई किया हुआ है वो मैं मिक्स कर दूंगी। अब इसमें जो मसाले हैं अब मैं वो ऐड करूंगी, जैसे कि नमक, मैं सोया सॉस डालूंगी और ये विनेगर। ये अच्छे से आपको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए इसका कलर। और ये जो डिश है ये इंडियन डिश नहीं है इसलिए आपको टाइम नहीं लेना है, आपको बस फटाफट हाई फ्लेम में इसे बनाना है। उसी दौरान मैं ये कटा हुआ हरा प्याज मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। अब आप अच्छे से फिर से मिक्स कर लीजिए
ये बन चुका है हमारा ड्राई पनीर चिली। बट इसको अच्छे से बॉन्ड करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लावर पाउडर इस तरीके से हमें लास्ट में डालना है बाइंडिंग के लिए। पूरा एक साथ नहीं डालना है हमें, हमें धीरे धीरे इस तरीके से हमें डालते रहना है और मिक्स करते रहना है ताकि ये अच्छे से बाइंडिंग हो सके। हमें इस तरीके से डालते रहना है और इस तरीके से चलाते रहना है ताकि एक जो स्टिकीपन है वो आ जाए, तभी हमारा ड्राई पनीर चिली बनेगा। इसमें और भी ऐड होगा तो हम ये और डालते रहेंगे इस तरीके से। ये देखें, हम ऊपर से कटा हरा धनिया इसमें डाल देंगे। अब गैस फ्लेम ऑफ कर देना है। ड्राई पनीर चिली बन चुका है, अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूंगी। पनीर चिली रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं पी उजाना मिश्रा आप सबसे इजाजत लेती हूँ। मुझे यकीन है कि आप सबको मेरी आज की डिश बहुत ही पसंद आएगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता ही है, और आपके एक्सपीरियंसेस मेरे लिए बहुत ही खास है, तो फिर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा आपके एक्सपीरियंसेस। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबसे मिलने आऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।